देखो क्वेश्चन नंबर फोर, मतलब यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तुम्हारे पास। ये देखो फर्स्ट पेयर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड है तुम्हारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसका कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक्स प्लस सॉरी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे इसको। इसको तो रीअरेंज करने से डायरेक्ट ही खत्म ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको जो रीअरेंज करेंगे, टू कॉमन लेंगे इसको, जैसे इसको हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इज -5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको पहले रीअरेंज कर लो, टू कॉमन निकाल लो सेकेंड वाले में से। तो टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 5 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या आ गया, देखो सेम ही आ गया ना। संदेश यादव, आकाश देव, तो सेम आ गया तो क्या होगा बताओ। ये देखो ये और ये दोनों सेम आ गया, तो ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों ही सेम आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा संदेश, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो निकालो फटाक से, ग्राफ पे, ग्राफ मतलब मेथड सिखाया था ना, ग्राफ पे कैसे सॉल्व करना है, कोशिश करो एक बार तुम लोग। वन का टेबल बना लो, टू का टेबल बना लो और उसके बाद शुरू हो जाओ। सानिया हो पाएगा, सानिया पाउल, हाँ तो करो। ये आया लड़का, कौन गया था, आशीष आ गए तुम, आशीष आशीष आ गया, कोई बात नहीं, आने तो तब तक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक आ जाएगा। तो कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करेगा तो ऑन कंपेयरिंग गिवेन पेयर ऑफ इक्वेशन विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, वी गेट या वी फाउंड ए वन इक्वल टू, सब कुछ तो वन ही मिल रहा है, ए वन बाय ए टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिला, 1/1, बी वन बाई बी टू ये भी मिलेगा 1/1, मीन सेम ही आएगा। अगर कॉमन नहीं लिए होते तो दोनों 1/2 मिलता, ठीक है। और सी वन बाई सी टू ये भी मिलेगा तुम्हारा -5/-5 मीन्स 1/1, ठीक है। तो सिंस ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों ही इक्वल है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, Therefore, given pair of linear equation is, ये आर लिखो दो है ना, आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोला है ना। कंसिस्टेंट, हाँ ठीक है।
ठीक है। और जब कंसिस्टेंट होंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ दो बार एन हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा तब निकालते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हो गया। तो देखो दोनों इक्वेशन सेम है, सुनो संदेश यादव, दोनों इक्वेशन सेम है तो एक भी टेबल काम बनाने मतलब ड्रॉ कर लेने से काम हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का तो सेम ही आएगा, कितना भी कुछ कर लो तो दोनों का सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं ग्राफ पेपर पे और देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या था अपना, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, या नहीं तो डायरेक्ट सीधा करके लिख लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऐसे लिख लो फाइव, ये था इक्वेशन। तो इसमें हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा फाइव, और एक्स के जगह पे जीरो लिखेंगे तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव आ गया, वाई इज इक्वल टू फाइव। पुट वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू फाइव, वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स फाइव आ जाएगा। मीन्स ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन वन का ग्राफ, मतलब ग्राफ का टेबल। तुम्हारा मन होगा कि नहीं सर ये जीरो जीरो क्या होता है, एक दूसरा वैल्यू लेके देखिए तो आता है क्या सेम, तो ठीक है लेके देखते हैं तुम्हारे कहने पे, ठीक है। एक दूसरा वैल्यू बोलो, कौन सा वैल्यू लोगे, कोई भी बोलो अपनी मर्जी से, कुछ भी बोल दो, कोई बोलो ना रे। फोर कैसे का लेना है, एक्स का या वाई का, वाई का, रुचि बोल रही है, ठीक है फोर ले लिए, वाई इज इक्वल टू फोर, तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू फाइव। मीन्स क्या, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर, दिस वैल्यू इक्वल टू वन, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वाई फोर लेंगे तो एक्स का वैल्यू वन आएगा, ठीक है। अब आराम से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या होता है, ये रहा प्लेन मैंने ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए हमने माइनस में उसको नहीं जाने दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है x पे, मैक्सिमम 5 है, चलो 5 तक ले लेते हैं। y पे ले लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ड्रॉ करेंगे 0 5, ठीक है 0 5 मीन्स x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये हो गया तुम्हारा 0 5, फिर 5 0, ठीक है 5 0 एक्स पे 5 वाई पे 0, तो यही हो गया 5 0। उसके बाद 1 4, एक्स पे 1 और वाई पे 4, एक्स पे 1 वाई पे 4, 1 और वाई पे 4, ये तो गड़बड़ आ रहा भाई, 1 4 0 5 वैल्यू चेक करो, हाँ देखो ये पॉइंट हमने गलत लिया है, ठीक है। ये जो पॉइंट 0 5 लिया ये गलत लिया, ये तो 1 5 है, ठीक है ये पॉइंट हमने गलत लिया, कोई बोलता भी नहीं है, मतलब सर लिख दिए तो कैसे बोल दे, गलत कैसे हो सकता है, इसको मिटाना पड़ेगा एक पॉइंट को, ये पॉइंट गलत ले लिया है मैंने, नेटवर्क स्लो होने की वजह से मिटता भी नहीं है क्योंकि तो ये ऑनलाइन है ना। 0 5 फर्स्ट वाला जो होगा एक्स पे 0 तो एक्स पे 0 वाई पे 5, ये वाला पॉइंट होगा 0 5, ठीक है 0 5। अभी देखो तीनों लाइन जो है क्या ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं तीनों पॉइंट, देखो यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, देखो मिल गया संदेश यादव, मीन्स ये जो ग्राफ बना ये किसका बना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव का, तो इक्वेशन वन भी यही था, टू वाला तेरा वैल्यू बोल रहा है मन के सर हम चेंज कर लेंगे, तो कर लेना चेंज, क्या फर्क पड़ता है, या सेम वैल्यू भी ले ले 0 5 5 0 4 1 सेम वैल्यू लेके इसका भी ड्रॉ कर दे, तो दोनों इक्वेशन का तो सेम ही ग्राफ हो गया, 2x + 2y = 10, ये था ना इक्वेशन 2, दोनों का सेम ही ग्राफ हो गया। मीन्स क्या, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड हो गए, आया बात समझ में या नहीं, नहीं समझ आया, देखो सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x + 2y = 10, ये था, हमने x को 0 पुट किया तो ये हो गया 0 प्लस
टू वाई इज इक्वल टू टेन, एक्स को जीरो पुट किया तो जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो टू वाई इज इक्वल टू टेन, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बाई टू इज इक्वल टू फाइव। देखो x को जीरो पुट किया तो y क्या मिला, फाइव मिला। इसी प्रकार y को जीरो पुट करेंगे तो x फाइव मिलेगा, x को y को फोर पुट करेंगे तो x वन मिलेगा, या x को वन पुट करेंगे तो y फोर मिलेगा। आया समझ में आकाश देव, आकाश देव आवाज जा रहा है, नेटवर्क नहीं क्या मेरे फोन में? अरे नेटवर्क तो फुल है, अरे बोल लिया करो एचू। दीपा संदेश आवाज जा रहा है मेरा? थोड़ा बीच बीच में यस नो करते रहो तो मुझे मन लगता रहता है, मैं सोचता हूँ कि चलो बच्चे को तो आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसलिए जो होंगे। हाँ बोलो, कहाँ पे? यहाँ पे और पहले अरे एक के ऊपर एक हो गया तो दोनों दिखेगा थोड़ी, नहीं नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा ना। हाँ चलो, कौन पूछ रहा था? एचू पूछ रहा था, कहाँ पे प्रॉब्लम है बोलो। ये था इक्वेशन वन, देखो ये था इक्वेशन वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो इसको हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत एचू? अच्छा आशीष पूछ रहा है, मैं भी तो बोलू, आवाज चेंज लग रहा है, दोनों का ऐसे है ना। चलो रुको आशीष एक सेकंड, कलर चेंज करने दो मुझे। अभी देखो आशीष, सेकंड इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये था ना, तो इसी को हमने रीअरेंज कर लिया, ताकि मतलब नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं करते तो क्या आता पता है, इसको रीअरेंज नहीं करते तो ए वन बाई ए टू क्या आता, ए वन बाई ए टू आता वन बाई टू, बी वन बाई बी टू क्या आता, ये भी आता 1 by 2, और C1 by C2 क्या आता 5 by 10, means ये भी आता 1 by 2, आया समझ में आसे इस? तो इसको हमने rearrange कर लिया, rearrange किया तो 2 को हमने common निकाल लिया, इनमें से 2 को common निकाला तो हो गया x plus y is equal to 10, इस 2 को हमने इधर पे भेज दिया divide में, ठीक है, तो 10 by 2 is equal to 5, means x plus y minus 5 equal to 0, आसे समझ में आया? या नहीं आया, और कहीं पे दिक्कत है किसी को? पूछो आशीष, कुछ और पूछना है? चलो वेरी गुड। ग्राफ को किसी को कॉपी करना है जो हमने यहां पे बनाया है, कहां गया ये कॉपी करना है किसी को या लिखना है? ये सेकंड वाला केस समझ में आया, मैंने क्यों डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता चल गया कि भाई ये सेम होने वाला है, तो ये डायरेक्ट क्यों कर दिया पता चला? संदेश यादव पता चला? हाँ क्योंकि दोनों सेम ही है, और वैसे भी हमने सिंपलीफाई करके दोनों इक्वेशन को सेम प्रूफ कर दिया था कि दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों के ग्राफ सेम होंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो दिखेगा नहीं, एक ही दिखेगा ना कोई। मान लो कि तुम्हारे हेड का एक और संदेश तेरा मतलब सेकंड कॉपी मिल गया, तेरे ऊपर में उसको लेटा दिया जाए तो पता थोड़ी चलेगा नीचे में तू है, नहीं ना चलेगा। चलो कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे लिख लो, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेगा यहाँ पे, गिवेन पेयर ऑफ एंड में ये मत लिख लो, लिख लो कि हाँ लिख लो, गिवेन पेयर ऑफ लाइन आर ओवरलैपिंग ईच अदर, जब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे, देर पर यहाँ से हटा दो, ठीक है पहले वाले में से देर पर हटा दो, यहाँ पे लिखो देर पर, अरे भाई हट जा। देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल। पूजा तुमको समझ में आया पूरा क्लास आज का? ये लिख लो और फटाफट से अभी देख लो कौन सा क्वेश्चन पूछना है इनमें से तुम्हें। सानिया बर्नली, दीपा स्नेहा, हिलेरी, परिणीता, परिणीता आई, परिणीता
नहीं आई है, सो रही है। स्नेहा आई है? स्नेहा देवनाथ, अच्छा ठीक है, अब क्लास के बाद उसका लगेगा क्लास। चलो ठीक है, चले नेक्स्ट पेपर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैसेज जिसने भी किया मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, अगर आवाज नहीं जा रहा है तुम तक तो एग्जिट क्लास करो, फिर से ज्वाइन करो। एक सेकंड रुको, मेरा काम नहीं कर रहा है, सारा सिस्टम हैंग हो गया है, ठीक है, मैं एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ एक मिनट में, पता नहीं क्या हो गया था, पूरा सिस्टम हैंग मार गया था, काम ही नहीं कर रहा था, ना पेन ना इरेजर। हाँ तो ये देखो, अभी हम फिर से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, मोर देन विड्थ मींस लेंथ जो है उसका 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है, और उसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। बोला है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर का हाफ दिया हुआ है, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ मींस उसके विड्थ के जितना भी विड्थ होगा उससे 4 मीटर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बोला कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का डायमेंशंस निकालो, तो क्या करोगे संदेश बताओ, शुरू कहां से करें? संदेश यादव मदद करो, अरे विड्थ नहीं पता है तो पहले विड्थ मानेंगे, लेट कर लेंगे, अगर 1 वेरिएबल वाला होता तो उसी में प्लस माइनस कर देते, पर 2 वेरिएबल वाला है तो लेंथ और विड्थ ब्रेथ दोनों को एज्यूम करना पड़ेगा ना, तो लेट कर लो, इतना भी नहीं पता, लेट द विड्थ, सुन पा रहे हो ना रे संदेश, ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू एक्स एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक गार्डन है, ठीक है, जिसका विड्थ को हमने एक्स मान लिया और लेंथ को हमने वाई मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसका जो विड्थ है कहाँ गया, लेंथ, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, तो एक साइड में हम क्या किए, लेंथ को लिख दिए, ठीक है, और एक साइड में क्या लिख दिए, विड्थ को लिख दिए, ठीक है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, एक्स को लिख दो या बाद में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, तो बोला गया कि लेंथ जो है, लेंथ कौन सा है तुम्हारा, वाई वाला, वाई जो है 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से मींस एक्स से, तो क्या करना पड़ेगा, या तो लेंथ में 4 कम कर दो या तो विड्थ में 4 ज्यादा कर दो, ये देखो ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लेंथ और ये है विड्थ, क्वेश्चन में बोला गया कि लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्थ में 4 प्लस करना पड़ेगा ना संदेश, आया समझ में, हाँ, तो फिर जब इसको रियरेंज आई, अगर तुमको प्लस नहीं करना है तो लेंथ में से माइनस कर देंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो हमने इधर ही प्लस कर लिया, अब एक्स को ले आओ लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ठीक है, समझ में आया यहां तक सबको, पूजा आशीष रिशा एरिशा, हाँ बोलो, अभी देखो पैरामीटर का हाफ जो दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 36 मीटर, तो देखो पैरामीटर क्या होगा इस रेक्टेंगल का, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ गौर से देखो, ये है तुम्हारा वाई, तो वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पैरामीटर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना अनामिका, पैरामीटर यही होगा ना, तो इसका हाफ लेंगे, हाफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पैरामीटर दिस डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल मींस क्या, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, आकाश देव समझ आ रहा है, आकाश देव, हाफ ऑफ द पैरामीटर
of rectangle is equal to perimeter divided by 2. This will be equal to 2 into x plus y length plus breadth और divided by 2 cancel. तो क्या हो जाएगा x plus y और this will be equal to कितना given है देखो question में 36 means x plus y जो तेरा given है वो है 36. इसको मान लेंगे question 2. बर्नली समझ में आया यहाँ तक? बर्नली नेटवर्क तो फुल है. बर्नली चलो सानिया समझ में आ रहा है आवाज जा रहा है? सानिया आवाज जा रहा ठीक है. तो दोनों ही क्वेश्चन मिल गया. अब दोनों को चलो सॉल्व करते हैं. ऐसे नहीं करना है, तुम तो बहुत होशियार हो, डायरेक्ट कटा के ले आओगे वैल्यू, बोल दोगे सर एक्स इतना होगा वाई इतना होगा. तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है. ठीक है तो चलते हैं हम अपने ग्राफ पेपर पे. ठीक है तो ये रहा तुम्हारा ग्राफ पेपर. यहाँ पे क्या करेंगे हम टेबल ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बोलो तो संदेश. y - x = 4 ठीक है. सेकंड इक्वेशन बोलो. ठीक है x plus y को y plus x लिख लो, देखने में अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं. y + x = 36 ठीक है. ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू. इक्वेशन वन का बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे और इक्वेशन टू का भी बना देते हैं उसके नीचे में. ठीक है इक्वेशन टू का बना देते हैं यहाँ पे. दोनों का वैल्यू अपने मर्जी से डालते हैं और निकालते हैं. तो देखो इन इक्वेशन वन एक एक बात को सुनो. पुट y = 0 इक्वेशन वन में y = 0 पुट किया. तो y = जब हमने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा y - x = 4 मीन्स -x = 4 मीन्स x = -4. आया समझ में संदेश यादव? अब क्या करेंगे x = 0 पुट करेंगे. तो y = 4 ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा इच्छा है एक दो वैल्यू और निकालने का तो तुम निकाल सकते हो, वो भी वैल्यू इसी लाइन पे लाइक करेगा. मैंने दिखाया था ना अभी करके. हाँ बोलो. ठीक है अभी देखो सेकेंड. आकाशदीप बोल नहीं रहा है, पता नहीं आकाशदीप को क्या हो गया. सेकेंड इक्वेशन में अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो y आएगा 36, हवा निकल जाएगा ड्रॉ करने में. क्या कहते हो जाएगा ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा. अगर y को 0 पुट करते हो तो x आ जाएगा 36, ये भी मुश्किल है. हाँ एक कंडीशन हो सकता है, अगर तुम 4-4 का स्केल ले लोगे मीन्स 1 unit = 4 अगर ये ले लेते हैं तब जाके 9 × 4 = 36 वहां पे जाके कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा. पर तुम क्या कर लो थोड़ा सा कम वैल्यू कर लो, मतलब क्या ले लो. देखो ऐसा वैल्यू लेना जो 36 का मल्टीपल हो, तब जाके ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी. तो हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं. ठीक है 8 ले लेते हैं, y = 8 ले लेते हैं, या 4 भी ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है. y = हमने 8 ले लिया तो क्या आ गया 8 + x = 36. तो x = 36 - 8 = 24. तुम्हारा मर्जी है, तुम 0 भी ले सकते हो. ठीक है तो 24 आ गया, x आ गया तुम्हारा 24. ठीक है चलो एक वैल्यू मैंने ले लिया, बाकी चलो तेरा 0 वाला ही लेके कर देता हूँ, तेरा मन नहीं है. तो x को 0 पुट किए तो y आ गया 36. y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 36. कोई दिक्कत यहां तक? अभी वैल्यू याद रखना संदेश, बोलना फटाफट. ठीक है चलते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं. इतना सही काम नहीं चलेगा, माइनस में भी ले जाना पड़ेगा उठा के. नहीं हुआ, रुको लाइन पे नहीं गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में. इसको कोशिश करता हूँ मैं उठा के नीचे ले जाने का, देखता हूँ ये जाता है कि नहीं. ये जगह ठीक है, अभी ठीक हुआ. देखो अभी एकदम स्क्वायर में फिट कर दिया मैंने इसको. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्केल जो लेंगे,
अगर हम 1, 2, 3, 4 का स्केल लेते हैं तो 36 देख लो कहाँ पे जाने वाला है। अगर नहीं भी लेते हैं तो तुम बोलोगे सर 8 पुट कर दिया तो भी तो 24 आया, तुम 16 पुट कर देते हो तो भी जाके x इज इक्वल टू 16 पुट करते हो तो y 16 आएगा, तो भी 16 ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, स्केल ले लेंगे 4 यूनिट का। तुम बोलोगे सर 8 यूनिट का क्यों नहीं लेंगे या 2 यूनिट का क्यों नहीं लेंगे, तो 8 यूनिट का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 4 है हमारे मल्टीपल। अगर हम 8 यूनिट का 1 बॉक्स इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं तो 4 कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा, दिखाने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए 1 बॉक्स या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 4, ठीक है 4 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। तो जो तुम्हें लिखना है वो तुम लिख लो, कोई बात नहीं। अभी देखो टेबल में से बताओ संदेश क्या था, वैल्यू -40 और 04 -40, तो -1 हो जाएगा तुम्हारा ये, -2 हो जाएगा ये, -3 हो जाएगा ये, -4 हो जाएगा ये। संदेश आकाश देव नहीं कर रहा है ना क्लास, लिख दिया हमने सारा वैल्यू को। तो क्या बोला, x पे बोला -4 0, तो -4 कितना हो जाएगा, एक यूनिट को हमने लिया है 4, ठीक है, एक बॉक्स हम खिसकेंगे तो 4, तो -4 तो यहाँ पे हो जाएगा। बर्नली समझ में आया, -4 0 कहाँ पे होगा, x पे -4 y पे 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं -4 0, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का हमने पॉइंट लिया। अभी दूसरा पॉइंट को जीरो मतलब ड्रॉ करते हैं, क्या है 0 4, मीन्स x पे 0 और y पे 4, मीन्स एक शिफ्टिंग होंगे, एक बार शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 4, ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया तुम्हारा 0 4, ठीक है। अब इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर दूसरा पॉइंट को लिखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने और इसकी मदद से इसको हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का, देखो होता है कि नहीं। रुक जा, हो गया, थोड़ा सा भाग गया, कोई बात नहीं चलेगा उतना। तो इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं y-x = 4, थोड़ा सा हिल गया मेरा इसलिए प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं। अभी देखो आगे क्या बोला है, 24 और 8, तो 24 कहाँ पे आएगा, 6 पे, 6 4 = 24, ये आएगा 24, ठीक है, और 8 y पे 8 मीन्स 2 यूनिट 1 2, यहाँ पे 24 और 8 आएगा। अनामिका समझ आ रहा है ना, हाँ। अभी क्या लेना है, x पे 0 y पे 36, तो x पे 0 ये रहा y पे 36, तो 9 4 = 36, तो 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 0 36, ठीक है। तो इसको रुको, मुझे पॉइंट दोनों दिख रहा है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बाद में तीसरा वैल्यू तुम्हें डाल के दिखा दूंगा कि ये भी उसी पे आएगा। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो देखो कहाँ पे कट कर रहा है, मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर थर्ड वैल्यू भी पुट करके मैं दिखा दूंगा, वरना फिर बाद में पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये हुआ एक ग्राफ, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट को भी मैं इस पे डाल के दिखाता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या था अपना, 36 0, x पे 36 y पे 0, तो 9 9 4 = 36, तो 6 7 8 9 कहाँ पे होगा, 9, ठीक है, 9 यहाँ पे होगा, मतलब x पे 36 और y पे 0, मीन्स ये हुआ क्यों नहीं भाई, एक बार चेक करो तो रीडिंग हमने सही लिया कि गलत, 4 5 6 7 8 9, ठीक तो लिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आने चाहिए। क्रॉसिंग कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा ग्राफ बेंड हुआ है, ठीक है, तुम इसको चेक करना सही आएगा, ठीक है, मेरा ग्राफ कहीं पे, ये देखो पहला वाला ग्राफ टेढ़ा हुआ था, ठीक है, हो सकता है उस वजह से कुछ आ रहा हो, और ये y x को जो हमने पुट किया 0 तो y 36, y को पुट किया 0 तो x 36 y 0, ये तो आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ लगता है टेढ़ा हुआ है, तुम इसको सही करना आएगा मेरे हिसाब से, तो देखो आ रहा है, अगर दो पॉइंट को हम लेते हैं तो आ जा रहा है आंसर, देखा, हाँ।
अच्छा ऐसा था ना वाई। हाँ तो ठीक तो है, एक्स इज इक्वल टू -4 और वाई इक्वल टू 0, ये तो रहा, ये रहा ना ये पॉइंट -4 0 इस ग्राफ को। हाँ रुको, इस ग्राफ को फिर से करने दो, ये थोड़ा सा होता है लाइन टेढ़ा हुआ था, क्या पता इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो। बोलो संदेश, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहाँ पे 0 के बाद 33 लिया? ये देखो ना, ये टेबल देखो तुम्हारा, ये रहा ना टेबल, ओहो कंट्रोल जेड, ये टेबल देखो दिख रहा है संदेश, ये टेबल देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो y इज इक्वल टू 36 आया ना, तो x पे 0 y पे 36, ठीक है। हो सकता है यही टेबल पे कहीं पे लेने में प्रॉब्लम, 4 5 6 7 8 9 मतलब यहीं पे कहीं दिक्कत हुआ होगा, मतलब ये देखो ओवरऑल कहाँ पे कट रहा है, दोनों का कटिंग पॉइंट क्या आ रहा है वही होगा सोल्यूशन। ये देखो यहाँ पे कटिंग पॉइंट जो है, ये तुम करना सही से सही होगा ड्रॉ, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, ये देखो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, 4 पे मीट कर रहा है, और ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, 4.5 पे। आंसर देखो बुक में चेक करो तो कितना है, बुक में चेक करो तो आंसर कितना है, जल्दी चेक करो। हाँ तो ठीक है ना, लेंथ है तुम्हारा क्या था, वाई लिया था ना तुमने या एक्स, लेंथ को वाई लिया था और ब्रेथ को एक्स लिया था, तो लेंथ कितना दिया है 20 मीटर, मतलब वाई इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ तुम्हारा कितना कितना बोला 16, ठीक है। तो देखो वाई था 20, तो यहाँ पे देखो एक्स था 16, तो देखो यहाँ पे एक्स क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 4 16 होगा ना, आ रहा है ना संदेश, और वाई भी देखो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हमारा हो सकता है प्रॉपर स्केलिंग नहीं लिए हो, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है। तो वाई भी अप्रोक्स 4 से ऊपर 5 आ रहा है, तो 5 4 जा 20, तो दोनों तो सही आ रहा है, 16 20 मीन्स एक्स इज एक्स वाई, ठीक है, 16 20 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लिख लेंगे, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 16 और वाई इज इक्वल टू 20, मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर या सेंटीमीटर, 16 यूनिट लिख लो, कुछ दिया हुआ नहीं है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 20। आया समझ में सबको, आया समझ में? ये ग्राफ देखो बहुत बड़ा ग्राफ हो गया ना, इसलिए मेरे सिस्टम में आ नहीं रहा है, इसलिए हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ हो, पर ज्यादा बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, तुम इसको ड्रॉ करोगे 100% सही आएगा इसकी गारंटी, पॉइंट भी यही रहेगा, पॉइंट भी चेंज नहीं करना है, सेम पॉइंट पे जो तुम ड्रॉ करोगे आंसर सही आएगा, ठीक है संदेश। हाँ 100% सही है सृजन, समझ आया, 100% सही है इसकी गारंटी है, पॉइंट भी नहीं बदलेगा, यही पॉइंट भी रहेगा, सब कुछ सही है, तुम बस ड्रॉ करना है उसको ढंग से। हाँ बोलो, हाँ 28 होना चाहिए, हाँ हो सकता है वहीं पे गलती हो, ढूंढने दो, पहले नहीं बोल सकती थी अनामिका, थोड़ा कहाँ पे 24 8, हाँ देखो यहीं पे गलती है, मैं बोल रहा था ना कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा। ये देखो x प्लस वाई हमने क्या किया, y को किसको, y को 8 पुट किया, y को 8 पुट किया, तो 8 प्लस x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 8, 36 में से 8 माइनस करेंगे तो 28 होगा ना, देखो यहीं पे गलती था, ठीक है ये आएगा 28, अब जाकर ड्रॉ करना 100% सही ग्राफ आएगा, ठीक है। आया समझ में कहां पे गलती था सभी को? संदेश पता चला कहां गलती था? फिर 7 पे आ जाएगा ये पॉइंट, थोड़ा नीचे आ जाएगा, अभी थोड़ा ऊपर चला गया तो पॉइंट थोड़ा नीचे, यहां पे देखो 28 कहां पे आएगा, 7 पे आएगा, ये देखो 7 और 4 2 जा 8 मीन्स आएगा सही आएगा, ये थोड़ा टेढ़ा भी है भागा हुआ है, देख नहीं रहो इस जगह पे, ये देखो मिट गया, ठीक है अब इसको ड्रॉ करना सही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये बहुत लंबा ग्राफ हो गया ना, थोड़ा सा लेंथ इसका बड़ा हो गया, और भी स्केल थोड़ा छोटा लेना था, 8 यूनिट ले लेते तो ठीक आता, क्या पता, और वैल्यू भी एक गलत आ गया था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। बोल रहा है एक इक्वेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन तुम अपने मर्जी से ऐसा लिखो, मतलब अपनी मर्जी से जनरेट करो कि इंटरसेक्टिंग लाइन दे, मींस हम क्या लिख लेंगे, 4x plus 6y minus 16 equal to 0, मींस इस टाइप से सेट करेंगे कि a1 by a2 is equal to b1 by b2, और नहीं a1 by a2 not equal to b1 by b2 है, तभी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे 2x plus 5y लिख लेंगे, minus 8 equal to 0, इस टाइप से कुछ ले लेंगे, मतलब खुद से ये जनरेट करना है। फिर बोला कि सेकंड इक्वेशन ऐसा लिखो कि पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करे, फिर बोल रहा है कि सेकंड इक्वेशन ऐसा लिखो कि कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे, मीन सेम टू सेम होना चाहिए। समझ में आया ना मैं कहिए, हाँ सभी को आया संदेश, तेरे को आया समझ में? अपने मर्जी से लिखना है, ऐसा लिखना है मतलब एक इक्वेशन अपना, जैसे मैं देखो इसके लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले के लिए, तो क्या लिखेंगे, 2x plus 5y minus 6 equal to 0, अब निकालो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन की मदद से इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अरे भाई इसी प्रकार बोला गया है कि पैरेलल लाइन के लिए लिखो, तो पैरेलल लाइन कब होता है, जब a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 होता है, तभी होता है ना, तो इस टाइप का एक जनरेट कर लो। फिर कोइंसिडेंट लाइन के लिए, नहीं कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों इक्वल होता है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों इक्वल होता है, तो इस प्रकार से एक मतलब सेम टू सेम इसका डबल करके बना लो एक इक्वेशन, अपनी मर्जी से तुम बना सकते हो। सेवंथ वाले क्वेश्चन में बोला गया कि ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब इसका ग्राफ बनाओ, मतलब ग्राफ ड्रॉ करो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का टेबल बना के, और बताओ कि ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मतलब कोऑर्डिनेट वर्सेस, हाँ जब ये तुम बनाओगे ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करो तुम, ठीक है, उसके बाद हम उसके जैसे ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो इस टाइप का आएगा, मैं बता देता हूँ कैसा आने वाला है, एक ऐसा आएगा दूसरा कहीं कुछ ऐसा आएगा, मतलब ऐसा ही कुछ आएगा, तब बोलेगा कि ये जो ट्रेंगल फॉर्म हुआ इसका कोऑर्डिनेट लिखो, मीन्स इस पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू लिखेंगे, इस पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू लिखेंगे और इस पॉइंट का एक्स वाई का वैल्यू लिखेंगे, आया समझ में नमिका, वही पूछा है, तो तुम ग्राफ ड्रॉ करके आओ, कोऑर्डिनेट मैं लिख दूंगा, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, मीन्स ये दो इक्वेशन जो है ना इनका ग्राफ ड्रॉ करके आना है, संदेश समझ आया, हाँ इस दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके आओ, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि वर्टिसेस क्या है। मैं अगर बोलू अभी जो मैंने कराया, चलो इसी में मैं कहां गया, ये ग्राफ पेपर इधर पे है, मैं दिखा देता हूँ क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इसी टाइप का ग्राफ तुम्हारा बनेगा, ठीक है, मान लो कि यही ग्राफ है, इसमें बोलेगा कि एक जो ट्रेंगल फॉर्म हुआ उसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो मान लो कि ये ट्रेंगल फॉर्म हुआ, ये देखो ये ट्रेंगल फॉर्म हुआ, तो इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का वैल्यू क्या आया था 1620 आया था, ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो ये 8 पे है, 80 पे, तो 8 4 32, ठीक है, तो 320 आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -16 -40 हो जाएगा ना, समझ में आया अनामिका, तो यही काम करना है, तो अगले क्लास में आओ, आज के क्लास में इतना ही, तुमको समझ में आया, आशीष पूजा एचूक सृजन सब लोग बोलो समझ में, जिसको आ गया बोलो, हाँ सर।